हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं दीबा लीम, दीबा की दुनिया में आप लोग का वेलकम करती हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाइए। इसी तरह आप लोग को रोज़ रोज़ नई नई डिशेस मिलेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी के फिंगर्स। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। और इस आज मेरे पास पत्ता गोभी है तो सोचा मैं क्यों ना इसको यूज़ करूं, तो पत्ता गोभी के फिंगर्स बनाती हूं। आज ट्राई करते हैं, चलिए देखते हैं बनाते हैं। गाइस, अभी हम लेंगे एक बाउल, उसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी जो मैंने ग्रेट करके रखी हुई है, और अब हम डालेंगे इसमें ये आलू, कच्ची आलू जो मैंने इसको भी ग्रेट करके रखा हुआ है। ये सारे आलू डालेंगे, मैं इसमें डालूंगी ये चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, और अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर, अरारोट का पाउडर, एक चम्मच भी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी 1/2 टीस्पून, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। आप लोग इसे जरूर बना के ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। रेड चिली पाउडर, ना समझ में आए तो अगर आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स हो उसका आप बना सकते हैं। हल्दी पाउडर, ये भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर है, चाट मसाला डालेंगे, दरबरी गोल मिर्च, दही डालेंगे 2 टेबल स्पून, अब इसे मैं मिक्स करूंगी। आप चाहे तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं, तो अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखें फ्रेंड, ये एकदम डो की तरह बन गया है। अब इसको हम सेट करेंगे। ऐसे ट्रे में एक सेट कर लेंगे। सीजनिंग डालते हैं, क्रश किया हुआ मिर्ची है, चिली फ्लेक्स है, अब इसे हम रखेंगे 1 घंटे तक फ्रीजर में।
मेक श्योर ये फ्रीजर में रखना है मुझे और कड़ा होने बाद ही हम निकालेंगे, थोड़ा जम नहीं जाता। ये देखें, ये ब्रेड क्रम्स है और कॉर्नफ्लेक्स है, हाफ ब्रेड क्रम्स है हाफ कॉर्नफ्लेक्स है। इसमें हम लपेटेंगे, देन उसके बाद हम फ्राई करेंगे। अब इसको हम कट करेंगे। ये मैंने जल्दी निकाल दिया है क्योंकि मुझे अभी तलना था। आप